नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल और सिक्किम का लीडिंग नंबर वन न्यूज चैनल एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। आज हम दार्जिलिंग लोकसभा सीट के बारे में कुछ बातें करने जा रहे हैं। आज तक देखा गया है कि कोई भी लोकसभा चुनाव में दार्जिलिंग वासी का वोट एक तरफा जाता है। 2009 में देखे जसवंत सिंह ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। प्रमुख मुद्दा था गोरखालैंड। पूरे पहाड़वासी ने एक तरफा मतदान करके उनको भारी मतों से जीत हासिल करवाई। उसी हिसाब से 2014 में देखे एसएस आलूवालिया, उन्होंने भी गोरखालैंड को ही प्रमुख अपना मुद्दा बनाया और वही 2009 की स्थिति दोबारा से आई। पहाड़वासी ने एक तरफा मतदान करके उनको भारी बहुमत से जीत दिलाई। ये तो बात थी विगत की, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में स्थिति कुछ उलट है। देखा गया है इस बार हर एक पार्टी का एक ही कहना है, भूमि पुत्र यानी के पहाड़ वासी। इसी हिसाब से देखा जाए क्रमापा ने अपना उम्मीदवार आरबी राय को घोषित कर दिया है, जो कि पहाड़वासी है। तृणमूल कांग्रेस ने भी अमर सिंह राय को अपना उम्मीदवार बनाया है, वो भी पहाड़वासी है। जीएनएलएफ अलायंस एक उम्मीदवार देने की बात कर चुके हैं और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उनका उम्मीदवार पहाड़वासी ही होगा, यानी के भूमि पुत्र स्थानीय लोकल पर्सन वो हो सकता है, प्लेन से भी हो, हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन लोकल पर्सन हु अंडरस्टैंड्स द प्रॉब्लम हु इज फेसिंग ऑल दिस एट्रोसिटीज एंड व्हाटएवर। हालांकि बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। देखा जाए तो इस बार की स्थिति यह है कि पहाड़ में वोटों का बंटवारा होगा और हो सकता है समतलवासी जो कि 60% है और पहाड़ में प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो मतदाता केवल 40% है, लेकिन चूंकि 40% इकट्ठे वोटिंग होती थी इसलिए डिसाइडिंग फैक्टर हर समय पहाड़वासी रहते थे, लेकिन इस बार स्थिति कुछ उलट है। किसी भी पार्टी के पास कोई ठोस मुद्दा अभी तक नजर नहीं आ रहा है। इस बार यह सब स्थिति को मद्देनजर रख के अगर सोचा जाए तो पहाड़ में वोटों का बंटवारा होना तय है। सभी का अपना अपना जनाधार है। उस हिसाब से देखा जाए तो पहाड़ के मतदाता बटेंगे और समतल के मतदाता आने वाले दार्जिलिंग लोकसभा सीट में डिसाइडिंग फैक्टर बन के उभरेंगे। यह तो बात हुई अभी तक की स्थिति की, लेकिन दिल्ली अभी दूर है। घोषणा पत्र किसी भी पार्टी ने अभी जारी नहीं किया है। हो सकता है कोई पार्टी ठोस मुद्दा लेके आ जाए और विगत के जैसे एक तरफा मतदान हो, लेकिन आज के दिन तो यह स्थिति बिल्कुल नहीं है। लेकिन दर्शकों, आज तक की स्थिति तो यही कहती है, यही बताती है कि आने वाले चुनाव में डिसाइडिंग फैक्टर बनने जा रहे हैं समतल के मतदाता। जुत्ता फेरी फाट्यो कति किन्दिनुहोस् जुत्ता पनि
हटाइ त हाल्छ मैले तिमीलाई अस्ति भनेको नि डाक्टर फुटको स्कुल जुत्ता किन्देऊ भनेर तर तिमी मानेनौ हजुर डाक्टर फुट सुविधायुक्त टिकाउ अनि नचिप्लिने पनि आज के लिए इतना ही देखते रहिए एसके लाइव आपका समय आपकी खबर